हेलो गुड पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अब अर्शद सईद। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज़ हो मेरे ऊपर, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया। क्या करूं यार, एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत ही बिजी था पूरा, अभी प्री फाइनल चल रहा है, वन मंथ भी नहीं है अभी मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। आई होप उसके बाद कंटिन्यूस व्लॉग आता रहेगा। अभी मैं आप लोगों को मेरा डेली शेड्यूल बताता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा बोरिंग शेड्यूल चल रहा है। पहले तो सुबह उठ के पढ़ना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद फिर से पढ़ना, उसके बाद जब शाम होता है, अब जो पीछे देख रहे हो, बस यही मेरा डेली शेड्यूल है। इस 2018 में YouTube के साथ जो मेरा जर्नी है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग अभी देखोगे मैं अपने YouTube जर्नी कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और आज जब मैंने 4000 सब्सक्राइबर्स मार्क पॉइंट क्रॉस कर लिया है आप लोगों के साथ, तो मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ विथ योर हेल्प, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलो, YouTube के साथ मेरा जर्नी इसी वीडियो से स्टार्ट हुआ था। मेरा फर्स्ट वीडियो एक नाद वीडियो था जो अभी आप देख रहे हो। ये वीडियो मैंने फर्स्ट YouTube पर डाला। डालने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि इसमें व्यू आएंगे, लेकिन उसमें इतना व्यू नहीं आए। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, सो मैंने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग। बहुत जगहों पे मैंने ट्रैवल किया, और ट्रैवल करके मैंने अपना एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ शेयर किया। अब ट्रैवलिंग करने में मैं बहुत जगहों पे गया, कभी एक्सप्लोर किया मैंने, तो कभी एडवेंचर किया, तो कभी मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने चैनल को कभी भी लिमिटेड नहीं रखा, सोचा कि हर समय जो भी मुझे मौका मिलता है मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। मुंबई जाके मरजान भाई के साथ हम दोनों बहुत एक्सप्लोर किए मुंबई को। बहुत जगहों पे हम लोगों ने स्ट्रीट फूड ट्राई किया, बहुत जगहों पे हम लोग गए जैसे कि शोर बाज़ार, और मुंबई के नाइट लाइफ के ऊपर भी वीडियो बनाया हम लोग, और मीनारा मस्जिद के पीछे रमज़ान के टाइम पे जो स्पेशल फूड लगते हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो शूट किया। बहुत सारे जगहों पे मैंने कवर करने का ट्राई किया, जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ सब आप लोगों के साथ शेयर किया। 2018 का जर्नी YouTube के साथ मेरा बहुत ही सुनहरा रहा। मैं उसके बाद गया शिलोंग, मेघालय, पूरा एक्सप्लोर किया मेघालय को, जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया, और मेघालय मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल और प्लीजेंट लगा बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल वेदर। मुझे उधर स्टे करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। उसके बाद आता है होजाई का एक रिनाउंड जिम जहाँ मैं जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी रिकॉर्ड किया जाए, उसको भी दिखाया जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं अपने चैनल को बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं रखना चाहता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस जिम को भी दिखाया जाए जिधर आपको दो अर्शद एक साथ देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको कहा, कभी मैंने अपने चैनल पे कवर किया एडवेंचर, और कभी मैंने किया फूड चैलेंज, बिल्कुल वैसे ही ये वाला है एकोलैंड पार्क के ऊपर, जिधर मैंने एक एडवेंचरस बहुत ही मज़ेदार राइड करते वक्त उस राइड का वीडियो लिया और मैंने अपने चैनल पर डाला। तो इस वीडियो में मैंने क्रॉस किया 1 लाख व्यूअर्स, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गया। तो वो देख के मैं गया ड्रीमलैंड और एक एम्यूजमेंट पार्क पे, दोनों पार्क में मैं गया और वीडियो शूट किया, एंड द रिव्यू वॉज गुड। बस यही नहीं, मैंने कवर किया काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स जैसे कि कुवैत एंड मेनी अदर कंट्रीज़। कुवैत जाके मैं प्रॉपरली व्लॉगिंग नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाया मुझसे मैंने स्टोरी टेलिंग व्लॉग बना के डाल दिया। कुवैत वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मेरा स्टे कुवैत में बहुत ही कंफर्टेबल रहा। उसके बाद आता है मुंबई का सीरीज, जिधर मैंने नाइट लाइफ एक्सप्लोर किया, नाइट लाइफ में क्या होता है मैंने वो जाना मरजान भाई के साथ, एंड थैंक्स टू मरजान भाई जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया व्लॉगिंग में। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मरजान भाई मुंबई में ना होते तो मेरा ये वीडियोस कैसे पॉसिबल होता। और उसके बाद मैंने किया अनबॉक्सिंग, तो कभी मैंने किया फूड चैलेंज, कभी मैंने किया फूड रिव्यू, तो कभी मैंने किया अनबॉक्सिंग, जो भी पॉसिबल हो सका मुझसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया।
नॉट टू बी फॉरगेटन, मैंने बस यही नहीं किया, एक छोटा सा मूवी भी शूट किया नेम्ड एज फेक फ्रेंड। अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हो, दिस इज बेस्ड अपॉन ट्रू स्टोरीज। 2018 में मुझे काफी अच्छे दोस्त मिले और काफी अच्छे दोस्त भी बिछड़े। उसके बाद आता है हेमा दास जो है गोल्ड मेडलिस्ट। मैं हेमा दास के घर गया और उनके पेरेंट्स से भी मैंने इंटरव्यू लिया और मेरे भाई को भी अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस किया, असजद सईद को। वो एक बहुत ही अच्छा नाथ सिंगर है, बहुत ही अच्छा नाथ गाता है वो। तो मैंने उसके साथ एक अच्छा वीडियो बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को उसका आवाज़ बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही नहीं, 2018 में मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मुझसे जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने लोगों को हेल्प किया। मैं नेशनल डे के सेलिब्रेशन में गया ऑर्फेनेज में, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत सारे गिफ्ट प्रोवाइड किया मैंने और हमारे पूरे भाइयों ने सब मिलके। और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में और भी हेल्प प्रोवाइड कर पाऊँ। जब असम में फ्लड आया, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने गया मैं और अपने साथ यंग लीडर्स, तो सबको हम लोगों ने रिलीफ प्रोवाइड किया। रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद उनके दुख में हम लोग भी गए, उनको कंडोलेंस दिए, जितना भी पॉसिबल हो पाया हमने किया। और यही सीन मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया ताकि वो लोग अवेयर रहे, उन लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है हमारे असम में। और बस यही नहीं, इसके बाद मैंने किया काफ़ी फूड चैलेंज वली अजमल के साथ, AKA फैट गाय फूडी। उसका यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो। वली इज़ ए चार्मिंग पर्सनैलिटी और वो बहुत ही अच्छे आइडियाज़ के साथ मस्त वीडियो शूट करता है। बहुत ही मुश्किल से हमने ये स्पाइसी नूडल्स चैलेंज किया, मुझे लगा था मैं जीत पाऊंगा, इतने शिद्दत के बाद मैच ड्रॉ हो गया, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया AKA फैट गाय फूडी के साथ वीडियो शूट करके। अब मुझे पता है बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे, जैसे कि मेरा वीडियो रेगुलर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मेरा वीडियो बहुत लेट अपलोड करता हूँ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, भाई तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ कमेंट आता है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ गाइस, मेरा प्री फाइनल चल रहा था इतने दिन, तो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था क्योंकि आपको तो पता है एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। अभी प्री फाइनल ख़त्म हो गया तो आपको कंटिन्यूस कुछ ज़्यादा व्लॉग मिलेंगे देखने को, और प्री फाइनल्स अभी ख़त्म हो गए तो दो तीन आप व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ख़त्म होने के बाद बस एक महीना भी नहीं मेरे पास, आई डोंट हैव इवन वन मंथ, मुझे जल्दी से जल्दी पढ़ना पड़ेगा और आई हैव फाइनल एग्ज़ाम्स। फाइनली मैं पढ़ाई को लेके सीरियस हो ही गया और अभी आप देख सकते हो मेरा ट्रैवल वीडियोस थाईलैंड का। जब मैं थाईलैंड गया था मैंने ये वीडियो शूट किया, तब मुझे व्लॉगिंग का कुछ आइडिया ही नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ छोटे क्लिप्स थे, इन नन्हे मुन्ने शेरों के साथ मैंने पिक्चर लिया था, ये पाइथन को मैंने अपने गले पे लिया था। मुझे पता है मेरा रिएक्शन देख के आप लोगों को बहुत ही हंसी आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन क्या करें, अपने फ्लैशबैक वीडियोस को देख के मुझे खुद हंसी आ रहा है। और ये वीडियो है श्रीलंका के ट्रेवल वीडियो, उसमें से जिधर मैं गया था दरगाह टाउन में, दरगाह टाउन में जाके मैंने चलाया ये जेट स्की बिल्कुल रिवर साइड पे। तो ये जेट स्की चलाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया मैं उधर। और बस यही नहीं, इसके बाद दरगाह टाउन में मुझे पैराग्लाइडिंग भी करने को मिला। तब मेरे पास प्रॉपर व्लॉगिंग किट भी नहीं था और कैमरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा स्मार्टफोन था जिससे मैंने ये सब रिकॉर्ड किया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना लकी हो पाऊँ कि आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर पाऊँगा। तो ये फुटेज आप जो अभी देख रहे हो ये श्रीलंका के सी साइड पे है, जो मैंने वीडियो के अपने मोबाइल से एंड यूजिंग ए सेल्फी स्टैंड सी साइड के बाजू में उड़ान लगाकर मुझे जो फील हुआ वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। उसके बाद आता है माय जर्नी टू सिंगापुर। मैंने एक्सप्लोर किया सिंगापुर के हर कोने को और सिंगापुर में मैंने एक्सपीरियंस किया कि लिविंग स्टैंडर्ड एक्सपेंसिव कैसे होता है। सिंगापुर वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन लिविंग और बहुत ही मज़ा आया सिंगापुर में। छोटा सा आइलैंड है, आधे घंटे में पूरा आइलैंड मैंने एक्सप्लोर कर लिया और प्यारे बच्चों की तो कमी ही नहीं है सिंगापुर में। और तब जब मैंने इतने कंट्रीज एक साथ एक्सप्लोर किया मुझे व्लॉगिंग का आइडिया ही नहीं था। और बस यही सब सारी चीज़ों के साथ मैं चल रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ ही दिनों का बात है, चंद दिनों का बात है, उसके बाद एग्ज़ाम्स भी ख़त्म और वी हैव गॉट लॉट ऑफ राइड्स, लॉट ऑफ ड्राइव्स, लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, और आप लोगों के साथ विजिट करूँगा मैं। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज विथ योर लव ओनली आई कैन ग्रो, विदाउट योर लव आई कैन नॉट ग्रो, आपको तो पता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अशोक व्लॉग्स एंड
या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. व्हाट इज अप गुड पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स अ बॉय अर्शद सईद. और वाओ अर्शद सईद, और कैसे हो गया कंटेंट, हो गया अपना कंटेंट, बस ये बताना चाहता था मैं.